subscribe to my channel and hit the bell icon so you never miss any video from my channel. तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आपको स्प्लिट एसी की फुल कंप्लीट वायरिंग बताने वाला हूं। तो सबसे पहले मैं आपको इंडोर की पीसीबी से स्टार्ट करता हूं, उसके बाद से मैं आपको आउटडोर की भी वायरिंग बताऊंगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो में एंड तक बने रहें और मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आएगी, और वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो फ्रेंड्स, आप देख पा रहे होंगे कि मेरे पास एक पीसीबी बोर्ड है और इसमें कुछ आपको यहाँ पर टर्मिनल दिखाई दे रहे होंगे और इसके कुछ नंबर भी दिखाई दे रहे होंगे और रिले वगैरह भी आपको दिखाई दे रहा होगा और ट्रांसफार्मर दिखाई दे रहा होगा और इसके क्या क्या फंक्शन है और कैसे काम करता है, ये सब मैं आपको बताने वाला हूँ। और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि ये कॉइल सेंसर है और यहाँ पे एक और देख पा रहे होंगे ये रूम सेंसर है। ये दो सेंसर लगे हुए हैं। तो ये कैसे काम करता है पीसीबी, वो मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर दिखा दूँ कि यहाँ पर कुछ पॉइंट लगे हुए हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, सबसे पहले आप यहाँ लाइन देख पा रहे होंगे लाइन, और उसके बाद से मैं आपको दिखा दूँ कि इसका न्यूट्रल यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे 220 का पावर सप्लाई देना है एक लाइन में और एक न्यूट्रल में। उसके बाद से यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि एक ये फ्यूज़ लगा हुआ है। फ्यूज़ का कवर मैं निकाल के दिखा देता हूँ कि फ्यूज़ कैसे लगा हुआ है। ये फ्यूज़ लगा हुआ है, जैसे यहाँ पे लाइन देंगे पावर तो ये फ्यूज़ के जरिए पावर आउट होगा। अगर फ्यूज़ ख़राब रहेगा तो पावर आउट नहीं होगा, यानी फेस आउट नहीं होगा। उसके बाद से मैं आपको कुछ पॉइंट यहाँ पर दिखा देता हूँ। तो जैसे कि आप ये देख पा रहे होंगे ये मोटर का जैक है, 4 पिन का मोटर का जैक है जिसमें 3 स्पीड है और एक न्यूट्रल या फेस आपको मिल जाएगा। उसके बाद से यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये आउट फैन, यानी कि कंडेंसर फैन का जो पावर सप्लाई है यहाँ से निकलेगा, यहाँ से आउट होगा। और यहाँ से दूसरा पॉइंट आपको देखने को मिल जाएगा रिवर्स वाल। यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ साइड में रिवर्स वाल। तो ये रिवर्स वाल यानी कि अगर आपका हीटिंग का सिस्टम है तो रिवर्स वाल लगेगा। और यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा कि कंप्रेसर का पावर आउट, यानी कि आपके सिस्टम में अगर जो है कॉन्टैक्टर लगेगा होगा तो यहाँ से आपका पावर आउट होके आपको कॉन्टैक्टर पे जाएगा कंप्रेसर आउट से। उसके बाद से मैं आपको कुछ और यहाँ पे दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे दिखा दूँ कि यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि ये यहाँ पे डिस्प्ले का जो है जैक है, यहाँ पे देख पा रहे होंगे ये डिस्प्ले का जैक है। यहाँ से आपका डिस्प्ले का जैक लगेगा तो आपका रिमोट काम करेगा। और उसके बाद से यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि स्विंग मोटर, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे स्विंग मोटर है जिससे आपका स्विंग काम करता है। और इसमें आपको ट्रांसफार्मर भी देखने को मिल जाएगा जिसमें इसका प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग जो है ये काम करता है, एक 220 पे एक 12 वोल्ट पे काम करता है। और उसके बाद से मैं आपको आउटडोर की वायरिंग बता देता हूँ। तो फ्रेंड्स, मैं आपको आउटडोर पे लेके चलता हूँ, वहाँ पे आउटडोर की वायरिंग बता देता हूँ। तो यहाँ पे मैं आपको आउटडोर पे लेके आ गया हूँ, और आउटडोर का काम कैसे करता है और इंडोर का पीसीबी का पावर सप्लाई जो है वो कहाँ से आता है आपको, वो सब मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे आप कैपेसिटर देख पा रहे होंगे, ये कॉन्टैक्टर देख पा रहे होंगे। तो मैं आपको यहाँ पे अभी इसकी वायरिंग मैं आपको बता देता हूँ, फुल कम्प्लीट वायरिंग। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा दूँ कि यहाँ पे 3 वायर देखने को मिल जाएगा आपको, N2 और यहाँ पे नंबर 3 देखने को मिल जाएगा। ये इसमें से एक फेस है, एक न्यूट्रल है, एक फेस है, और ये हमारा कमांड का पावर है जो कि हमारा पीसीबी से आता है। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ इसकी वायरिंग कहाँ कहाँ लगी हुई है कॉन्टेक्टर में। तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा ये नंबर, यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, ये नंबर 3 का है ग्रे, आपको देखने को मिल जाएगा ग्रे, और यहाँ पे मिल जाएगा ब्लैक, और ये हमारा मिल जाएगा ब्लू। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये ब्लू का वायर है, यानी कि न्यूट्रल का वायर है, आपको डायरेक्ट जो है आपको यहाँ पे कैपेसिटर में लगा हुआ है। और यहाँ से आपको जो जा रहा है वो कंप्रेसर के रनिंग के लिए जा रहा है पावर, यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। और दूसरे पॉइंट से आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा जो येलो कलर का वायर है, ये आपको स्टार्टिंग के लिए जा रहा है कंप्रेसर के स्टार्टिंग के लिए। और यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा जो ये आप देख पा रहे होंगे ये जो ग्रे कलर का जो है वायर है, तो ये जो ग्रे कलर का वायर है ये आपको फेस देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे ये फेस है, ये फेस आपका आया है आपके कॉन्टेक्टर पे। जैसे आपका कॉन्टेक्टर एनर्जाइज होगा, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये न्यूट्रल है, और सॉरी ये न्यूट्रल है ब्लू वाली, और यहाँ पे ये सीपी का वायर है जो आपका डिमांड आता है पीसीबी से। तो जैसे इसमें पीसीबी से आपका डिमांड आएगा, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ब्लैक कलर का नंबर 2 का वायर है, जो यहाँ पे ये सीपी का वायर है जो कि आपके पीसीबी से आता है। जैसे इसमें पावर आएगा आपके पीसीबी से, तो इसमें से यहाँ से आपको न्यूट्रल डायरेक्ट मिल रहा है, और पीसीबी से जैसे यहाँ पे पावर आएगा तो आपका यह कॉन्टेक्टर है कुछ इस तरीके से एनर्जाइज हो जाएगा। उसके बाद से जो पावर है यहाँ पे जो फेस का है वो इनसे आउट होने लगेगा, और ये आपको
कंप्रेसर के सी यानी कॉमन पॉइंट पे चला जाएगा। तो यहाँ से आपको रनिंग मिल रहा है, यहाँ से स्टार्टिंग मिल रहा है और यहाँ से आपको कॉमन मिल जाएगा, जैसे आपका कॉन्ट्रेक्टर एनर्जाइज होगा तो आपका ये कंप्रेसर रन हो जाएगा। और इसी तरीके से आपका ये जो फैन मोटर है यहाँ पे कंडेंसर फैन मोटर, इसकी भी वायरिंग इसी तरीके से है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे जो ये स्टार्टिंग का वायर है और ये रन का वायर है, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, और ये है पावर जो कि फेस जो होता है हमारा फेस या न्यूट्रल किसी को भी एक पावर देना होता है जो कि हमारे को कंडेंसर फैन के जो रनिंग का पॉइंट होता है उसको देते हैं। यहाँ से आपको स्टार्टिंग मिल जाएगा, यहाँ से रन मिल जाएगा और इसका कॉमन पॉइंट यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। इसका एक और कॉमन पॉइंट होगा जो कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे न्यूट्रल, यहाँ से डायरेक्ट आपको कॉइल से दिया हुआ है। तो यानी कि यहाँ पे आपको रनिंग मिल जाएगा, यहाँ पे स्टार्टिंग मिल जाएगा और यहाँ से आपको कॉमन मिल जाएगा, जिसका आपका जो कंडेंसर फैन है वो भी रन होने लगेगा। तो कुछ इस तरीके से इसकी पूरी वायरिंग डायग्राम है जो कि आपने अभी अभी देखा है। तो अभी हम कॉन्ट्रेक्टर का कवर लगा देते हैं और उसके बाद से हम इसको यूनिट को बंद कर देंगे। तो मैं ये कवर लगा लेता हूँ, उसके बाद से मैं आपको यूनिट को ये बंद कर दूँगा। तो आपने जाना कि स्प्लिट एसी की फुल कंप्लीट वायरिंग कैसे होती है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई हो, और वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।